सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे आज मैं आपको सिखाने वाली हूं कि कैसे इतने डायनेमिक सर्च बॉक्स को आप बहुत इजीली बना सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा डायनेमिक सर्च बॉक्स है जहां पे आप सिर्फ एक कुछ लेटर्स भी टाइप करेंगे तो आपका डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं डेटा यही यूज़ करने वाली हूँ, बस सर्च बॉक्स नया बनाएंगे। ये सर्च बॉक्स आप मेनली डैशबोर्ड क्रिएशन में भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डेवलपर टैब चाहिए। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं है तो आप सिंपली फाइल में जाइए, उसके बाद जाके आप ऑप्शंस में जाइए, वहाँ से आपको कस्टमाइज रिबन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ मेन टैब्स में डेवलपर मिलेगा एंड आप उसको राइट क्लिक कर लीजिएगा। देखिए, मेरे में ऑलरेडी क्लिक्ड है इसलिए वो मेरे में शो कर रहा था। अभी आप डेवलपर टैब में आएंगे तो उसमें आपको कंट्रोल्स के अंदर इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाइए। एक्टिव एक्स कंट्रोल्स में आपको ABI उसको क्लिक करना है एंड आपका जो कर्सर है अब वो प्लस के साइन में आएगा, सो दैट यू कैन क्रिएट अ सर्च बॉक्स। तो सिंपली आप कहीं पे भी एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये क्रिएट कर लिया एंड मैं चाहती हूँ, सी सर्च बॉक्स जो होता है वो सिर्फ दिखता है, वो एक डिज़ाइन के तौर पे है, लेकिन जो भी हम कुछ लिखते हैं वो किसी सेल में लिखना होता है, वो दिखता है कि वो सर्च बॉक्स में लिखा जा रहा है। तो इसीलिए हमें अपने बॉक्स को लिंक करना होता है उस पर्टिकुलर सेल से। तो वो कैसे करेंगे, इस पर राइट क्लिक कीजिए एंड प्रॉपर्टीज़ में जाइए। यहाँ पर लिंक सेल में देखिए, मैं अपने K2 में उसको लिंक करना चाहती हूँ, तो मैं सिंपली K2 प्रेस कर दूँगी एंड उसे क्रॉस कर देंगे। तो अब जो ये बॉक्स बना हुआ है ये K2 में लिंक्ड हो चुका है। अब मैं कुछ भी लिखती हूँ K2 में तो वो मुझे इस बॉक्स में विजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने डेटा में जाना है एंड उसका जितना भी हेडिंग है आपको वो कॉपी कर लेना है और वहाँ पे जाके जहाँ पे भी आप ये डेटा चाहते हो वहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना है। इस तरीके से पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट बिकॉज अब आपको डेटा चाहिए तो उसके लिए आपको एक फंक्शन लगाना पड़ेगा जो कि होता है फ़िल्टर फंक्शन। तो आप फिल्टर फंक्शन लगाइए। सबसे पहले आपको एरे लेना होगा, तो एरे वही होगा जो आपका डेटा होगा। तो चलिए मैं अपना पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेती हूँ जो मुझे यहाँ विजिबल करना है। ओके, उसके बाद देखिए, मैं चाहती हूँ जो नेम होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट पढ़े जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो लेफ़्ट टू राइट मेरे नेम को पढ़े, तो मैं लेफ़्ट फंक्शन लगाऊंगी एंड साथ ही साथ में वो क्या पढ़े, नेम्स पढ़े, तो मुझे नेम का रेंज लेना होगा। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मुझे पूरा नाम ना लिखना पड़े, कि मुझे AJAY पूरा ना लिखना पड़े, मैं AJ भी लिख रही हूँ तो वो उसको भी कंसिडर करता रहे, तो उसका लेंथ चेक कराना होगा ना। तो लेंथ फंक्शन लगाएंगे एंड उसमें मैं क्या चाहती हूँ, वो किसका लेंथ चेक करे, वो हमारे K2 का चेक करे, तो K2 आ जाता है। और जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लेफ्ट का चल रहा था और एक पैरेंथेसिस लेंथ का चल रहा था, तो ये डबल पैरेंथेसिस से हम इसे ऑफ कर देंगे। उसके बाद इक्वल्स टू एंड हमारा K2 आ जाएगा जस्ट बिकॉज वो फिल्टर फंक्शन चल रहा है एंड नाउ अगेन पैरेंथेसिस ऑफ। नाउ जस्ट क्लिक एंटर एंड यू गॉट योर डेटा। तो अभी आपका डेटा तो आ गया है, अब आप ये सर्च बॉक्स में लिखेंगे कैसे, क्योंकि अब तो आप लिख ही नहीं पा रहे हो। तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट बिकॉज आप जैसे ही कुछ लिखने का टाइप करोगे वो आपको नहीं लिखने देगा, तो आपको वापस से डेवलपर टैब में देखिए डिज़ाइन मोड ऑफ कर देना है एंड नाउ यू कैन राइट ऑन द सर्च बॉक्स। मैंने AJ लिखा तो वो आ रहा है, मैंने MRI लिखा तो वो आ रहा है। चलिए अब इसे थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं कि जैसी फॉर्मेटिंग की हुई थी वैसा कर लेते हैं। तो आपको सिंपली K2 में प्रेस करना है और उसके बाद आसपास वाले जितने भी सेल्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंड आप Alt-HMC विच इज़ मर्ज इन सेंटर करके आप उसको मर्ज कर सकते हो एंड साथ में उसको कुछ भी कलर दे सकते हो, जिस भी कलर का आप हेडिंग चाहते हो। मैंने उसमें ब्लू कलर का दिया होता तो मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ एंड Alt-HBT से आप उसको एक थिक बॉर्डर दे सकते हो। उसके बाद आपको वही डेवलपर टैब में जाके डिज़ाइन मोड में इसको करना है सो दैट आप अपने सर्च बॉक्स को उतना ही लेंथ एंड शॉर्ट कर सको। देखिए, मैंने इसे शॉर्ट कर लिया है एंड मैंने इसे इसके अंदर फिट कर लिया है, तो अभी ये ऐसा विजिबल हो रहा है कि मैंने बड़ा सुंदर सा सर्च बॉक्स बनाया हुआ है एंड मैं इस पर कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। सी, मैंने यहाँ कुछ भी लिखा, DC लिखा, दिव्या आ रहा है। तो इसी तरीके की और शॉर्ट ट्रिक्स एंड डायनेमिक फंक्शंस सीखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच।